इजराइल और हिजबुल्ला के बीच भीषण जंग लगातार जारी है और अब इजराइल हिजबुल्ला के पाताल लोक तक पहुंच गया है। जी हाँ, ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। इजराइल ने हिजबुल्ला के बड़े अंडरग्राउंड ठिकानों पर बड़ा हमला किया है जिसमें उसके 50 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं। जो आतंकी मारे गए हैं उनमें हिजबुल्ला के 6 कमांडर शामिल है, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। इसके साथ साथ आपको बता दें, इजराइल ने ये हमला दक्षिणी लेबनान में किया है और एयर स्ट्राइक से ये हमला किया गया है। इजरायली सेना ने इसकी पुष्टि भी की है, तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। और देखिए, साफ तौर पर बेंजामिन नेतन्याहू कह चुके हैं कि हम सिर्फ नसरुल्लाह को ही खत्म नहीं कर रहे हैं, उसके जितने उत्तराधिकारी हैं उसको चुन चुन कर मारेंगे। और इसी कड़ी में आपको बता दें, जो नंबर 3 के अब उत्तराधिकारी बताए जा रहे हैं हिजबुल्ला के, उसने सीज फायर की भी अपील कर दी है। तो इन सब के बीच आप देखिए, एक तरफ नेतन्याहू का बड़ा ऐलान और इन सब के बीच लगातार लेबनान में यहाँ पर IDF की ओर से हमले किए जा रहे हैं। एक स्ट्राइक और 50 आतंकी ढेर। जमीनी कार्रवाई इस वक्त IDF कर रही है लेबनान में। और आपको बताएं, अलग अलग जगह पर सुरंगें भी ढूंढ निकाली गई हैं, सुरंगों से सामान, हथियार और ये तमाम चीजें। ये देखिए आपके टेलीविजन स्क्रीन्स पर इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक फ्रिज भी यहां पर बरामद हुआ है सुरंग के अंदर। और IDF ने ये जानकारी दी है कि इस पूरे इलाके में यहां से ऑपरेट किया जाता था। अगला निशाना कहां बनाया जाए, अगली रणनीति क्या हो, वो सब कुछ इन सुरंगों के जरिए ही ऑपरेट किया जाता था। तो भारी मात्रा में यहां से हथियार बरामद हुए हैं और तमाम हिजबुल्ला के जो लोग ऑपरेट कर रहे थे उनके सारे इक्विपमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और इसके साथ साथ एक फ्रिज भी IDF को मिला है। इन तस्वीरों को आप देखिए, तो नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि हम चुन चुन कर सिर्फ नसरुल्लाह को ही हमने नहीं मारा, बल्कि जो भी उसका उत्तराधिकारी बनने की कोशिश करेगा उसका भी खात्मा कुछ इसी तरह से किया जाएगा। 7 अक्टूबर, 1 साल हो गए इस पूरी घटना को।